क्या बेटा? हम बधाई देना चाहते हैं उजाला गुड मॉर्निंग आप सभी को हृदय से मकर संक्रांति पर्व के ऊपर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस पर्व को एंजॉय करेंगे आज। ठीक है, जो बिहार के बच्चे हैं वो खिचड़ी खाएंगे, चूरा दही खाएंगे। ठीक है, नीतीश पाठक तो खा लिया होगा। नीतीश पाठक मुझे लगता है कि चूरा दही खा लिए होंगे आप। बाजुरा आप भी खा ली होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों? उजाला आपने खाया नहीं है, क्लास के बाद खा लीजिएगा। आप तो संगम में रहती है भाई, पहले संगम का स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद जो है चूरा दही खाइए, खिचड़ी खाइए, जो भी इच्छा हो। बच्चों देखिए, आज हम लोग का विषय होगा उग्रवाद, उग्रवादी चरण। आज हम लोग का विषय होगा उग्रवादी चरण, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट स्टेज कहते हैं। हमने बोर्ड पर जो उल्लेख किया है आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर जिन तथ्यों का हमने उल्लेख किया है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है तो कृपया इसे लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए जल्दी में, ताकि हम लोग डिस्कशन शुरू करें। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हमने 9 भागों में बांट दिया है। इस पूरे टॉपिक को हमने 9 भागों में बांट दिया है सुविधा के लिए। टॉपिक का नाम है उग्रवादी चरण, और इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसका समय क्या है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण का समय क्या है, इसका टाइम क्या था 1905 से 1919 के बीच। 1905 से 1919 के बीच इसका टाइम था, अवधि था, समय था। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य, वो क्या है? स्वराज्य प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है? स्वराज्य प्राप्त करना, स्वराज्य प्राप्ति, ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है क्रिया पद्धति, जिसको हम कहते हैं वर्किंग मेथड या तकनीकी या विधि या स्ट्रेटजी, वो क्या है? जन आधारित संघर्ष, जन आधारित संघर्ष, इनका क्रिया पद्धति है। अब अगला पॉइंट है कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहला है बहिष्कार करना, बहिष्कार, दूसरा है स्वदेशी, और तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, ये तीन इनका कार्यक्रम है। चार हो गया। पांचवा पॉइंट है इनका सामाजिक आधार क्या है, शहरी, निम्न, मध्यम वर्ग,
शहरी, निम्न, मध्यम वर्ग, इनका सामाजिक आधार है। छठा क्या है? नेतृत्व। छठा क्या है? नेतृत्व। इसमें हम लोग लेंगे नेतृत्व में आप लिखेंगे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल ये क्या है? नेतृत्व है। ये क्या है? नेतृत्व है। लाल मीन्स लाला लाजपत राय। बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक। और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल इनका नेतृत्व तीन है, लाल बाल पाल। और इसके साथ में है अरविंद घोष। अरविंद घोष चौथा नाम है अरविंद घोष का। चौथा नाम है अरविंद घोष का, यानी उग्रवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन में चार लोगों की सक्रिय भूमिका थी। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा बिपिन चंद्र पाल और चौथा अरविंद घोष। अब अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण के उद्भव के कारण क्या थे, इनके उदय के कारण क्या थे। आठवां है उग्रवादी चरण की सीमाएं क्या है, इनकी कमजोरियां क्या है। और नाइन्थ जो है वो है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं का क्या योगदान था, यानी उग्रवादी चरण का प्रभाव क्या था। और अंतिम हम पॉइंट लेंगे इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, राइट। तो बच्चों ये आपका एक बेसिक सूचना है, इसके आधार पर आप इस टॉपिक से जो सवाल पूछे जाएंगे उनका आंसर देने में आप सक्षम हो जाएंगे, आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी, क्योंकि कम से कम आपके पास इस टॉपिक का जो आधारभूत तत्व है वो आपके पास आ गया। अब आइए हम चर्चा करेंगे कारण, उग्रवादी चरण के उद्भव के कारण। सबसे पहला कारण है, उदारवादी नेताओं के क्रिया पद्धति से असंतुष्टि, सबसे पहला कारण है उदारवादी नेताओं के क्रिया पद्धति से असंतुष्टि।
लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए इसमें। उदारवादी नेताओं के क्रिया पद्धति से असंतुष्टि लिखिए। लिखिए 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्य विरोधी चेतना का विकास, साम्राज्य विरोधी चेतना का विकास होने लगा क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियां, नंबर वन नस्लवादी एवं प्रतिक्रियावादी बनी रही, नंबर 2 दूसरा, भारत से धन का निष्कासन होता रहा। नंबर 3 बेरोजगारी और महंगाई की समस्या से, भारतीय समाज में असंतुष्टि बढ़ रहा था, नंबर 4 भारतीय राष्ट्रवादी नेता 1892 के सुधार अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। नंबर 5 भारतीय नवयुवक वर्गों में उदारवादी नेताओं के ब्रिटिश सरकार में अधिक निष्ठा यानी विश्वास से भी असंतुष्टि थी। पैरा बदल करके, परिणाम स्वरूप उदारवादी नेताओं का आलोचना होना शुरू हो गया
उदारवादी नेताओं का आलोचना होना शुरू हो गया। उदारवादी नेताओं का आलोचना होना शुरू हो गया, जैसे नंबर वन, पहला तिलक के अनुसार कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक उत्सव था। बच्चों, ये पूरा सेंटेंस जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होगा, क्योंकि यह तिलक का कथन है। दूसरा लिखिए, अश्वनी कुमार दत्त ने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा। कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा। ये हमारा पहला पॉइंट है। यानी ध्यान रहे बच्चों कि 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवादी विचारधारा का उदय हो रहा था, उसके पीछे ये सारे कारण थे, क्योंकि भारतीय समाज का जो नौयुवा वर्ग था उसके मन में उदारवादियों के लिए जो आशा था, जो विश्वास था, वह कमजोर होने लगा। और उग्रवादियों ने कहा कि भिक्षा मांगने से स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने उदारवादियों के क्रिया पद्धति को भिक्षावृत्ति कहा, यानी सरकार से कटोरे में भीख मांगना, कटोरे लेकर के सरकार के सामने हाथ फैलाने से कुछ मिलने वाला नहीं। सरकार साम्राज्यवादी है, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में कोई परिवर्तन करने वाली नहीं है। और इसलिए देखो गया कि 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में उदारवादियों का प्रासंगिकता कमजोर होने लगा। अब धीरे धीरे उनका महत्व कम होने लगा, लोगों को अनुभव होने लगा कि भिक्षा मांगने से सरकार कुछ देने वाली नहीं है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण लिखिए, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। दूसरा कारण है लॉर्ड कर्जन की
प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे जैसे नंबर वन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, नंबर टू बंग विभाजन और नंबर थ्री भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति दमनकारी प्रवृत्ति ये दूसरा कारण था। इसको लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं, हर पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आता है, और इसका कार्यकाल रहता है 1905 तक, इस पूरे कार्यकाल में लॉर्ड कर्जन का एक ही उद्देश्य था कि भारत में साम्राज्य विरोधी चेतना को दमन करना, और तभी वो कहता था कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरा प्रबल इच्छा है कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मौत में हम सहायता दे सके। इट शोज, यह सूचित करता है कि कर्जन जो है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रबल विरोधी था, और इस बात से भारतीय राष्ट्रवादी नेता नाखुश थे, निराश थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार इतना नस्लवादी है, इतना दमनकारी है, इतना शोषणकारी है, इतना प्रतिक्रियावादी है, इसके बावजूद ये उदारवादी नेता उस सरकार का गुणगान कर रहे हैं, उसके प्रति आस्था को व्यक्त कर रहे हैं, उसमें विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करने के योग्य सरकार नहीं है। जिस तरह से कर्जन दमन करना चाहता है, उस तरह से हम उसका विरोध करें, क्योंकि गीता भी कहता है, कि अन्याय को सहन करना पाप है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्याय सहन करने का भी एक लिमिट होता है। जब पाप बढ़ जाते हैं तो उसका संहार करना हमारा धर्म है। बच्चों, ये दूसरा कारण था, अब अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट है स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद बंकिम चंद्र चटर्जी
बंकिम चंद चटर्जी के विचारों से जनित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसका मुख्य आधार था आत्मसम्मान आत्मविश्वास ठीक है आत्मबलिदान की भावना जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय नवयुवकों में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की भावना उभर कर आने लगी। जैसे स्वामी दयानंद ने कहा कि स्वराज्य मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। और इसी विचार से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वराज्य की मांग की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है डैश सिंगल को बंद कर दीजिएगा, लिखिए बाल गंगाधर तिलक। लास्ट पॉइंट है, उद्भव का लास्ट पॉइंट लिखिए,�भारत में उग्रवादी विचारधारा
कि उद्भव के लिए, कि उद्भव के लिए कुछ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव था, घटनाओं का भी प्रभाव था, जैसे 1905 में यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस को जापान ने एक युद्ध में पराजित कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय लोगों के मन में भी यह विचार पलवित होने लगा कि संगठित होकर गोरों को पराजित किया जा सकता है। फुल स्टॉप। तो बच्चों आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवादी विचारधारा का विकास होता है, जो उसका उद्भव होता है, जो उसका उदय होता है, वह आकस्मिक नहीं है, वह कोई घटना नहीं है, बल्कि उसका विकास धीरे धीरे होता है। 1885 से 1905 के बीच में जिस तरह से उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, उसका ही परिणाम था कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में उदारवादी विचारधारा के सापेक्ष या समानांतर एक उग्रवादी विचारधारा का भी विकास होने लगा। इसके समानांतर उग्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा, यानी कि अब राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन चेतना, एक नवीन शैली, एक नवीन क्रिया पद्धति, एक नवीन कार्यक्रम, एक नवीन सामाजिक आधार, एक नवीन नेतृत्व धीरे धीरे उभर कर आने लगा। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जहां से उदारवादियों ने आंदोलन को छोड़ा है, वहां से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब समय क्या है, 1885 का नहीं, लगभग 20 साल बीत चुके हैं, 20 वर्ष बीत चुके हैं, और 20 सालों में उदारवादियों ने राष्ट्र का विकास किया है, भारत का निर्माण किया है। अब कांग्रेस के अधिवेशन में केवल 72 लोग नहीं है भाई,
1885 में केवल 72 लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन अब 20 साल के बाद यह संख्या केवल 72 नहीं है बल्कि 7 लाख से भी अधिक हो चुका है, 7 लाख से भी अधिक हो चुका है। इसका मतलब कि हमें अपनी शैली में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हम रूढ़िवादी हो जाएंगे और हम समाज से कट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, राइट। अब देखिए, कुछ बिंदुओं को हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ये उदारवादी है और ये उग्रवादी है, उग्रवादी है। ठीक, दोनों विचारों में अंतर है इसलिए क्योंकि दोनों का आधार अलग अलग है। जो उदारवादी हैं उनका आधार है राजा राम मोहन राय के द्वारा विकसित होने वाली संवैधानिक क्रिया पद्धति के आधार पर तार्किक राष्ट्रवाद का विचार जो उग्रवादी हैं, इनका मुख्य आधार है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो दयानंद के विचारों पर आधारित है। अब देखिए, अब दोनों में क्या अंतर है। जो उदारवादी हैं, इनका कहना है कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है, यह भूगोल है। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि भूगोल है, और इसलिए सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हमें भारत को भूगोल से एक राष्ट्र बनाना होगा और तब जाकर के हम सरकार का विरोध कर सकते हैं। इसलिए अभी हमें सरकार का विरोध नहीं करना है, हमें क्या करना है, पढ़िए क्या लिखा है, संवैधानिक क्रिया पद्धति। अभी हमें संवैधानिक क्रिया पद्धति का सहारा लेते हुए सरकार से केवल सुधार करने की मांग करना है, सरकार का विरोध नहीं करना है। क्यों? इंडिया इज नॉट ए नेशन, भारत एक राष्ट्र नहीं, अभी हमारी संख्या कम है, एंड दिस इज नॉन एज तार्किक राष्ट्रवाद। इसको कहते हैं तार्किक राष्ट्रवाद, जिसमें बुद्धि पर जोर दिया गया है। इस राष्ट्रवाद में विवेक, बुद्धि, तर्क पर विशेष बल दिया गया है, और तभी ये मानते हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन। ध्यान दीजिए, इनके विपरीत जो उग्रवादी हैं वो कहते हैं कि कौन कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये कौन कहता है। ये कहते हैं कि इंडिया इज ए नेशन एंड इंडिया वुड बी ए नेशन।
जो उग्रवादी कहते हैं कि कौन कहता है कि भारत एक देश नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है। भारत राष्ट्र था, राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। यानी यह विचारधारा अतीत में, अतीत का मतलब पास्ट, पास्ट अतीत में प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में जो विकास हुआ था उसको अपना आधार बनाते हैं और कहते हैं कि हम प्राचीन काल से श्रेष्ठ थे। कौन कहता है कि हम हीनता की भावना से ग्रसित? यानी बच्चों, जो इनका राष्ट्रवाद है उसमें बुद्धि का स्थान नहीं है, बल्कि यहां क्या है, भावना है। ध्यान देना, यहां भावना है, यहां इमोशन है। जबकि उदारवादियों के राष्ट्रवाद में भावना नहीं था, रीजन था, तर्क था, और इसलिए वे ज्यादा सफल रहे। वे ज्यादा सफल रहे कारण कि वे बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ते थे और आप भावना के माध्यम से आगे बढ़ते। सच्चाई तो यही है भाई कि यदि आप देश होते, यदि आप राष्ट्र होते तो पलासी के वार आप हारते नहीं, आप बक्सर के वार हारते नहीं, और मैसूर को हराने में मराठों के द्वारा अंग्रेजों को सहायता नहीं किया गया। देश भावना से नहीं चलता है, भावना बुद्धि दोनों के माध्यम से चलता है। और यही कारण है इस दौर में देखोगे आप कि इनके द्वारा भिक्षावृत्ति को छोड़कर, संवैधानिक क्रिया पद्धति को छोड़कर, क्या संवैधानिक क्रिया पद्धति को छोड़कर इनके द्वारा क्या विरोध का, प्रतिरोध का, बहिष्कार का क्या मार्ग अपनाया गया कि ये फिरंगी है, ये दीकू है। दीकू, यू नो व्हाट इज दीकू? कैन यू टेल मी दीकू का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे मुझे दीकू? दीकू मीन्स, राइट डाउन फास्ट, दीकू मीन्स, बताएं पहले, आउटसाइडर। बाजुरा बहुत सुंदर, आउटसाइडर बहुत बढ़िया। बाजुरा, तुम्हारा प्रगति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, जब पीछे के पढ़ाए गए चीजों को आप बताते हैं तो मेरे मन में भी आत्मविश्वास जागृत होता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और जब बच्चे पीछे के चीजों को नहीं बता पाते हैं तो फिर लगता है कि यार कहीं गड़बड़ हो रहा है, अपनी क्रिया पद्धति पर संदेह पैदा होने लगता है कि हम पढ़ाते सही है कि नहीं। लेकिन जब बच्चे बताना शुरू करते हैं तो लगता है कि नहीं, गाड़ी सही चल रही, गाड़ी जो है सही चल रही। तो उग्रवादियों ने कहा कि ये दीकू है, ये फिरंगी है, ये देश इसका नहीं है, देश हमारा है, और इसलिए ऐसे लोगों को जो बलपूर्वक किसी के स्थान को, किसी की संस्कृति को, किसी का अधिकार को कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं बलपूर्वक, उनका विरोधी होना चाहिए। उनका जो है अनुरोध के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना इस बात को कि दोनों विचारधारा में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों का पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों का राष्ट्रवाद का स्वरूप अलग अलग है। उदारवादी है, उसका राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या है? बुद्धिवादी राष्ट्रवाद है, तर्कवादी राष्ट्रवाद है। जबकि उग्रवादियों का राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है वह क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें भावना प्रबल है। जबकि उदारवादियों के राष्ट्रवाद में भावना नहीं, बुद्धि प्रबल है। चलिए
अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगला पॉइंट है मेरा कि इनकी सीमाएं क्या क्या है, इनकी सीमाएं क्या क्या है, यानी इनका कमजोरियां क्या क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए, फिर हम बताएंगे। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, बताइए उग्रवादी नेताओं की या उग्रवादी चरण की सीमाएं क्या क्या है। भावना प्रबल, बहुत बढ़िया, धर्म को आधार बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है नीतीश, ठीक है, चलिए। तो आप लिखिए, मैं बोलता हूं फिर मैं समझाऊंगा, लिखिए। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, इनका सामाजिक आधार, इनका सामाजिक आधार उदारवादियों के तरह ही, इनका सामाजिक आधार उदारवादियों के तरह ही शहर, कस्बों, शहर अथवा कस्बों में रहने वाले शिक्षित निम्न मध्य वर्ग तक सीमित था, तक सीमित था। इनका सामाजिक आधार शहर अथवा कस्बों में रहने वाले शिक्षित निम्न मध्य वर्ग तक सीमित था, जबकि उग्रवादी नेता सामाजिक आधार के स्तर पर, सामाजिक आधार के स्तर पर उदारवादी नेताओं का विरोध कर रहे थे, जबकि उग्रवादी नेता सामाजिक आधार के स्तर पर उदारवादियों का आलोचना कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको। नंबर वन, 1907, ये पहला एग्जाम्पल होगा, और दूसरा होगा 1908, पहला दूसरा लिखो। 1907 में तिलक ने स्वयं स्वीकार कर लिया, तिलक ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम भारत के केवल शिक्षित वर्गों का, हम केवल भारत के शिक्षित वर्गों का नेता हैं, हम केवल भारत के शिक्षित वर्गों का नेता है। वी रिप्रेजेंट ओनली द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया, द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया, इट वॉज सेड बाई तिलक हिमसेल्फ, तिलक ने स्वयं कहा है और मेरे पास उसका साक्ष्य है। किताब है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, लेखक बिपिन चंद्र, पेज नंबर, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112,
और पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ वह दूसरा है। इस पेज में पैरा नंबर टू देखिए, अंडरलाइन किया है, लिखा है, साक्ष्य मेरे पास है। अब लिखिए 1908 में लाला लाजपत राय ने भी इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया, इस यथार्थ को मान लिया, इस यथार्थ को मान लिया कि भारत के पिछड़ेपन, भारत के पिछड़ेपन तथा लोगों की राजनीतिक उदासीनता के कारण, भारत के पिछड़ेपन तथा लोगों की राजनीतिक उदासीनता के कारण, उदासीनता के कारण हमें अपने आंदोलन के लिए, हमें अपने आंदोलन के लिए केवल शिक्षित वर्गों पर ही, अपने आंदोलन के लिए केवल शिक्षित वर्गों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, फुल स्टॉप। समझ गए? यानी इस तथ्य को कोई भी नकार नहीं सकता, खंडन नहीं कर सकता। भाई आप तो कहते थे ये उदारवादी लोग हैं, इनका कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, आप कहते थे ये वार्षिक मेला है, लेकिन आपने क्या किया? आप तो इनका आलोचना कर रहे थे कि उदारवादी नेता जो है अपने आंदोलन को, अपने क्रिया पद्धति को केवल शहरों तक सीमित रखे, गांवों में पहुंचने का प्रयास नहीं किए, किसानों को, मजदूरों को जोड़ने का प्रयास नहीं किए। आपने तो आलोचना किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी वही काम किया जो उदारवादियों ने किया। याद रखना, पहली बार हिंदुस्तान में चलने वाली साम्राज्य विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन में पगड़ी वाले लोग धोती और कुर्ता वाले लोग पहली बार दिखाई दिए 1920 में, जब साउथ अफ्रीका से आने वाला एक संत ने अपील किया एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, तब जाकर पहली बार पगड़ी, धोती, कुर्ता, दाढ़ी वाले लोग दिखाई दिए और पहली बार सरकार डर गई, पहली बार सरकार के मन में विस्मय पैदा हुआ और भय पैदा हुआ कि अब जो होने वाला है वो गलत होने वाला है, या तो हम सुधर जाएं, या तो हम सुधार दें, या तो हम छोड़ दें, चौथा विकल्प नहीं। फर्स्ट टाइम इट वॉज लेड बाय M.K. गांधी। ठीक है, आइए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यद्यपि उग्रवादियों ने सरकार के समक्ष स्वराज्य की मांग को प्रस्तुत किया,
स्वराज्य की मांग को प्रस्तुत किया, लेकिन स्वराज्य के संदर्भ में, लेकिन स्वराज्य के स्वरूप के संदर्भ में, ऐसे लिखना, लेकिन स्वराज्य के स्वरूप के संबंध में इनके विचारधाराओं में, इनके विचारधाराओं में कुछ अंतर के बिंदु, कुछ अंतर के बिंदु दिखते हैं, कुछ अंतर के बिंदु दिखते हैं। जैसे तिलक का स्वराज्य का अर्थ था, सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखना है, अर्थ था के बाद सिंगल इनवर्टेड कोमा में एक डैश लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य की प्राप्ति, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, जरा बोर्ड देखना, ये ब्रिटिश साम्राज्य हो गया और ये स्वराज्य हो गया, ये ब्रिटिश एम्पायर हो गया और ये इंडिया का स्वराज्य हो गया, ऊपर से ब्रिटिश सरकार, अंदर से भारत, यानी हम कह सकते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्ता कहते हैं ना, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। जबकि अरविंदो घोष का स्वराज्य, अरविंदो घोष का स्वराज्य था डैश और सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखना है, अरविंदो घोष का स्वराज्य था डैश भारत में पूर्ण रूप से, भारत में पूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित करना, भारत में पूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित करना, सामने डैश टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये था अरविंदो घोष का। कहिए, अब आप बताइए, जब आपके नेताओं में वैचारिक स्तर पर अंतर है तो आप संगठित प्रयास कैसे कर सकते हैं? संगठित प्रयास के लिए जरूरी है कि जो आपका उद्देश्य है उसमें एकरूपता होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, इसका परिणाम होता है कि आंदोलन का जो दिशा है वो भ्रमित हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नेता क्या चाहते हैं। जैसे गांधी को देखो, गांधी ने जो उद्देश्य परिभाषित किया, जो रखा, उसमें दो भाव नहीं था, एक भाव था, ये है तो ये है। लेकिन आपके यहां अरविंदो साहब कुछ चाहते हैं, तिलक साहब कुछ चाहते हैं, लाजपत राय साहब कुछ चाहते हैं। जब नेतृत्व ही आपस में विभाजित है तो संगठन का आधार मजबूत नहीं होगा, वह असंगठित हो जाएगा, वह भ्रमित हो जाएगा। ध्यान देना, ज्योति का अर्थ, ज्योति ने प्रश्न किया कि सर ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। ज्योति, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि तुमको हमने कुछ काम करने के लिए, कुछ नियम बनाने के लिए हमने आपको कुछ लिबर्टी दे दिया है,
कि ज्योति तुम पढ़ाई करो, तुम जहां चाहती हो वहां रह के पढ़ो, ये तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा तुमको ऑटोनॉमी दिया गया है। लेकिन इस ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि ज्योति तुम उस काम को करोगी जो तुम्हारे फादर नहीं चाहते। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टू गो आउटसाइड द पावर गिवन बाय योर फादर। आप अपने पिता के द्वारा बताए गए जो आधार है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी। समझ गए? हां, मुनमुन ने सही कहा कि कुछ अर्थों में आपको छूट देना, कुछ अर्थों में आपको छूट देना, राइट ज्योति? ठीक है। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए। देखिए, उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं ने साम्राज्य विरोधी चेतना को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय संस्कृति की परंपरागत त्योहारों, मेला गीत इत्यादि का सहारा लिया। जैसे महाराष्ट्र में तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव, गणेश पूजा, बंगाल में अरविंद घोष के द्वारा काली पूजा। लेकिन गलती यह हो गई कि उग्रवादी नेताओं ने केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए प्राचीन काल के हिंदू प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया।
केवल प्राचीन काल के हिंदू प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया, हिंदू सिंबल्स ऑफ एंशियंट इंडिया, उसमें मध्यकाल की संस्कृति को, उसमें मध्यकाल की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उसमें मध्यकाल की संस्कृति को, मध्यकाल की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को, जिसका परिणाम हुआ कि उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को सामासिक संस्कृति का आधार प्राप्त नहीं हुआ, आधार प्राप्त नहीं हुआ, आधार प्राप्त नहीं हुआ, आधार प्राप्त नहीं हुआ, और इसके द्वारा भारतीय राजनीति में, इसके द्वारा भारतीय समाज में, ऐसे भारतीय समाज और राजनीति में सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक भावना के विकास को बल मिला, सांप्रदायिक भावना के विकास को बल मिला, सांप्रदायिक भावना के विकास को बल मिला, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यद्यपि अंतिम पॉइंट है, यद्यपि उग्रवादी नेताओं ने भारतीय नवयुवकों से, भारतीय नवयुवकों से आत्म बलिदान आत्म बलिदान करने का अपील किया, लेकिन इनके द्वारा इन तरुण बालकों को, इनके द्वारा इन तरुण बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं किया गया कि साम्राज्यवादी सरकार का विरोध कैसे करना है, जिसका परिणाम हुआ कि ये तरुण बालक बम और पिस्तौल, बम और पिस्तौल की ओर मुड़ने लगे
मतलब जाने लगे, बम और पिस्तौल की ओर मुड़ने लगे। डैश क्रांतिकारी, राष्ट्रवाद का उदय, ये सिंगल में होगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। डैश सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, ब्रिटिश विरोधी कौमा देकर के, ब्रिटिश विरोधी गुप्त संगठनों को स्थापित करना, ब्रिटिश विरोधी गुप्त संगठनों को स्थापित करना और हिंसात्मक, और हिंसात्मक साहित्य का प्रकाशन करना, और ये हिंसात्मक साहित्य का प्रकाशन करना। डैश 1904 नासिक अभिनव भारत, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर गायक दामोदर सावरकर, 1907 बंगाल अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, फुल स्टॉप। 1907 बंगाल अनुशीलन समिति स्थापना करने वाला भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, जिन्हें जिन्हें अरविंद घोष ने भी, जिन्हें अरविंद घोष ने भी नैतिक समर्थन दिया, जिन्हें जिन्हें अरविंद घोष ने भी नैतिक समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया, राइट। तो ध्यान रखना बच्चों, ये इनका विफलता था, इनका फेलियर था। क्यों भाई? आपने यहां के स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र थे, जो इंडिया के एमर्जिंग यूथ थे, इंडिया के एमर्जिंग यूथ थे, उभरने वाले तरुण लोग थे, उनको आपने पुकार दिया, आपने पुकार लगाया, अपील किया, आह्वान किया कि आइए, देश को आजाद करना चाहते हैं तो अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भिक्षावृत्ति के माध्यम से कुछ नहीं मिलने वाला है, 20 सालों में आपने देख लिया है। बट आपने उनके मन में अलख तो जगा दिया, आग तो लगा दिया, लेकिन ऐसा आग लगाया जिस आग को सही दिशा नहीं मिल पाया, और वह आग बम पिस्तौल की दिशा में मुड़ गया, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो वन टू गाइड देम, कोई नहीं था उनको गाइड करने के लिए, रिजल्ट दे कंफ्यूज्ड एंड टुक द हेल्प ऑफ बम एंड पिस्तौल अगेंस्ट ब्रिटिश।
इट वॉज योर फेलियर, यह आपका विफलता था, असफलता था। ध्यान दीजिएगा, गांधी ने ही काम किया था। गांधी को लगता था कि बच्चे हमारे दिशाहीन हो रहे हैं, तो क्या करते थे, वो करते थे कि आंदोलन को रोक दो, अभी नहीं चलाएंगे क्योंकि बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं, जब समय सही हो जाएगा तो फिर बच्चों को हम जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका उग्रवादी विचारधारा की कमजोरियां क्या थी, इनकी सीमाएं क्या थी। अब आइए बच्चों, लास्ट पॉइंट हम लेते हैं कि इनका योगदान क्या था, इनका क्या योगदान था। असफलता के बावजूद हम इस बात को नहीं नकार सकते, इनकार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते कि उग्रवादियों का भी राष्ट्र के निर्माण में, साम्राज्य विरोधी चेतना के विकास में इनका भी केंद्रीय योगदान था, जो आज भी इतिहासकार खारिज नहीं करते हैं, इनका गुणगान करते हैं कि भाई कमजोरियां तो सब में थी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी अपने पहले आंदोलन में स्वराज्य को प्राप्त कर, गांधी भी तीन आंदोलन किए और तीनों में जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो क्या हम मान ले कि गांधी भी फेल हो गए? नो। यानी ध्यान रखना बच्चों, ये सेंटेंस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी आंदोलन का, किसी भी क्रांति का, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जब हम मूल्यांकन करेंगे इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए उस आदमी का उद्देश्य क्या था। हम फेल हो गए लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य सार्थक था, अच्छा था, लोगों के लिए था, तो हमको इतिहासकार कभी असफल घोषित नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, आपका प्रयास सार्थक होना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। ध्यान दीजिए, तो अगला हेडिंग डालिए, उग्रवादी, उग्रवादी नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, योगदान। राइट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, इनके द्वारा पहली बार, इनके द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक लक्ष्य प्रदान किया गया, एक लक्ष्य या उद्देश्य प्रदान किया गया। डैश और सिंगल इनवर्टेड कोमा में दिस इज स्वराज्य, क्या है स्वराज्य, पहली बार 20 साल के बाद। बच्चों ध्यान रखना, उदारवादियों के मन में भी स्वराज्य की चेतना थी लेकिन उनका पेट में था, उनका मन में था, वही जानते थे, सरकार को बताते नहीं थे क्योंकि बताने का समय उचित नहीं था, सरकार नाराज हो जाती,
लेकिन पहली बार उग्रवादी नेताओं ने कह दिया वी वांट स्वराज्य। पहली बार तिलक ने साफ कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। आप चाहोगे तो यहां पर उस कोटेशन को डाल सकते हो, यहां पर जो पहला पॉइंट है, पहला जो इनका योगदान है, वहां पर इनवर्टेड कॉमा में रखते हुए तिलक के कोटेशन को लिख सकते हो। परीक्षा याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इनके प्रयासों से ही, इनके प्रयासों से ही पहली बार 1906 में, पहली बार 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नरौजी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया डैश, यह स्वीकार किया गया डैश स्वराज्य, स्वराज्य कौमा स्वदेशी कौमा बहिष्कार कौमा राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। पहली बार ध्यान रखना इनके ही प्रभाव से। नंबर थ्री, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना को देखा, राष्ट्रवादी चेतना को देखा कौमा भयभीत भी हुआ क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास था। आत्म बलिदान करने की भावना थी, कौमा देकर के आत्म बलिदान करने की भावना थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इनके द्वारा ही पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक घेरे को तोड़ते हुए बंग विभाजन के मुद्दे पर
एक जन आधारित, एक जन आधारित आंदोलन का, एक जन आधारित आंदोलन का स्वरूप प्राप्त किया, स्वरूप प्राप्त किया, स्वरूप प्राप्त किया, स्वरूप प्राप्त किया, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। डैश डैश 1911 में, 1911 में बंग विभाजन, 1911 में डैश देकर के बंग विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा, बंग विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा, बंग विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा। लास्ट पॉइंट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य एवं स्वदेशी का कार्यक्रम 1920 में गांधीवादी आंदोलन डैश असहयोग आंदोलन का केंद्रीय हिस्सा बना, असहयोग आंदोलन का केंद्रीय हिस्सा बना। ये टॉपिक बच्चों समाप्त हुआ, ठीक है। इसको पढ़िएगा ध्यान से, इसमें हर बातों को हमने बखूबी सरलता के साथ रखने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि जितना तथ्य और जितना विचार आपने अभी लिखा है उतना किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए सवालों का उत्तर लिखने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला टॉपिक लेंगे वह टॉपिक होगा गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो समय काल होगा वह 1919 से लेकर और 1947 तक होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोगों को क्वेश्चन देते हैं, बाजूरा क्वेश्चन देते हैं, घबराओ नहीं। इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोगों को तीन आंदोलनों का हमें अध्ययन करना होगा। पहला जो होगा
1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन, जो दूसरा होगा 1930 से 34 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो मूलतः हम तीन आंदोलन के बारे में बात करते हैं, असहयोग पहला, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीन मुख्य आंदोलन है जो गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में चलाया गया। इन तीनों के बीच में और कई छोटे मोटे आंदोलन हुए, उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं गांधी का पहला आंदोलन, असहयोग आंदोलन। राइट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गांधी कौन है, गांधी कौन है, और इसके बाद गांधी कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते हैं। दो बेसिक सवाल होगा, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी का वैचारिक आधार क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझिए, फिर आपको हम नोट करने के लिए बोलेंगे। देखिए, गांधी अपने आप में एक संस्था है, गांधी व्यक्ति नहीं है,
बल्कि व्यक्तित्व है। गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि गांधी एक व्यक्तित्व का नाम है, वो संस्था है, वो विचारधारा है। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, इस कहानी को पूरी तरह से सुनिए। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी यह विश्वास नहीं करेगा कि गांधी कोई हार मांस का व्यक्ति था। इट वॉज सेड बाई अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक महान वैज्ञानिक था। E=mc², उसका सिद्धांत था E=mc², आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। यानी हम उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके चरित्र के बारे में एक महान वैज्ञानिक ने कह दिया कि आने वाला पीढ़ी जो है विश्वास नहीं करेगा कि गांधी कोई हार मांस का व्यक्ति। देखिए बच्चों, मेरे पास एक किताब है, वो किताब है लुई फिशर का किताब है। लुई फिशर, समझिए बातों को ध्यान से, बहुत मजेदार बात है, पढ़ना तो है ही और पढ़ाना भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस गांधी के बारे में आप जानते हैं उससे और बेहतर जाने। लुई फिशर जो है, लुई फिशर वह अमेरिकी था, अमेरिकी पत्रकार था। सबसे पहली बार वह भारत में 1942 में आता है, सबसे पहले 1942 में भारत में आता है और गांधी से भेंट करता है। इसके बाद फिर अमेरिका चला जाता है, फिर अमेरिका चला जाता है और फिर आता है 1946 में और फिर गांधी के पास आता है। यानी दो बार उसका भेंट गांधी से होती है। उसने क्या लिखा जरा पढ़िए इस, देखिए उसके द्वारा लिखा गया कि जब गांधी की हत्या कर दी गई, जब गांधी की हत्या कर दी गई उस समय फ्रांस का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था लियोन ब्लूम, उसका नाम था लियोन ब्लूम, ये फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ये फ्रांस का पीएम था जब गांधी का हत्या हुई। इसने क्या कहा जरा सुनिए ध्यान से। फ्रांस का प्रधानमंत्री लिखता है, आई डोंट नो हिज लैंग्वेज, आई डोंट नो हिज लैंग्वेज, मैं गांधी की भाषा को नहीं जानता। आई नेवर सेट ए फुट इन हिज कंट्री, मैं कभी गांधी के देश में गया भी नहीं, मैंने कभी गांधी के देश का यात्रा नहीं किया है। एट फिर भी आई फील, मैं महसूस करता हूं द सेम सोरो एज इफ आई हैड लॉस्ट समवन डियर, मैं अनुभव करता हूं कि मेरा कोई प्रिय मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर आगे क्या लिखता है, द होल वर्ल्ड हैज बीन प्लंज्ड इन टू मॉर्निंग,
आज पूरा विश्व गांधी की हत्या पर शोक व्यक्त कर रहा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, असाधारण व्यक्ति के मौत पर, असाधारण व्यक्ति के मौत पर पूरा विश्व आज शोक व्यक्त कर रहा है। सोचिए आगे क्या लिखता है लुई फिशर, कि जब यूएनओ का सुरक्षा परिषद को पता चलता है कि हिंदुस्तान में गांधी को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो यूएनओ का सुरक्षा परिषद ने अपनी झंडा को झुका लिया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए गांधी जी बेसिकली गुजरात के काठियावाड़ में करमचंद गांधी के पुत्र के रूप में पोरबंदर में इनका जन्म होता है। गुजरात के काठियावाड़ में करमचंद गांधी के पुत्र के रूप में गांधी का जन्म होता है। कब होता है? 1869। ध्यान दीजिए, इनका पिता वहां के राजा और महाराजा के यहां मुख्य सचिव के रूप में काम करते थे। कौन? करमचंद गांधी। और इनका ही पुत्र हुए मोहनदास करमचंद गांधी। लंदन से कानून की पढ़ाई करने के बाद जब हिंदुस्तान आए तो 1893 में एक हिंदुस्तानी मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं केवल एक वर्ष के लिए। क्यों भाई? क्योंकि एक व्यापारी हैं दादा अब्दुल्ला, जिनका संबंध गांधी के परिवार से था, उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। लेकिन देखिए खुदा का क्या उनका रहस्य है कि एक साल के लिए गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और लग जाता है कितना, 1914। एक साल के लिए केस लड़ने के लिए गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और रह जाते हैं कब तक? फ्रॉम 1893 टू 1914। इतने साल रह जाते हैं साउथ अफ्रीका। और वहां जाकर देखोगे कि सबसे पहले गांधी अपनी यात्रा का शुरुआत साउथ अफ्रीका से करते हैं, जब साउथ अफ्रीका में वहां के गोरे सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के प्रति जो नस्लवादी नीतियों का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय लोगों का शोषण किया जा रहा था, उनके खिलाफ गांधी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह शुरू किया। और उसका परिणाम हुआ कि साउथ अफ्रीका की जो गोरों की सरकार थी उसको मजबूर होकर के गांधी के द्वारा
जिन मांगों को रखा गया था उसको मानना पड़ा। और इस तरह भारत में आने से पहले ही पूरे वर्ल्ड में लोग जान चुके थे कि हु इज गांधी, गांधी कौन है। हिंदुस्तान नहीं जानता था लेकिन पूरा वर्ल्ड उनको जान चुका था कि गांधी है कौन। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप देखोगे कि जनवरी 1915 में गांधी भारत आते हैं। पहले सुनिए फिर हम लिखवाएंगे। 1915 में गांधी भारत आते हैं और यहां आने के बाद उनका भेंट होता है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा उदारवादी नेता जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले से इनका मुलाकात होता है। ये उदारवादी नेता भी हैं और इनका संगठन है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसका हिंदी होता है भारत सेवक संघ। इस संगठन का संस्थापक कौन थे? गोखले साहब। गांधी जी गोखले से मिलते हैं। गोखले केवल राजनेता नहीं थे, चिंतक थे। गांधी को देखकर गोखले ने समझ लिया इस बच्चे के अंदर दम है, इस बच्चे के अंदर दम है, साहस है, ये हिंदुस्तान में वो काम कर सकता है जो आज तक हम लोगों ने नहीं किया। गांधी जी गोखले साहब से पूछते हैं कि आप बताइए कि हमें भारत में क्या करना चाहिए, मैं तो नया आया, मुझे पता भी नहीं कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का नेता कौन है, कांग्रेस की क्रिया पद्धति क्या है, कार्यक्रम क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, कृपया मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी भारत में आने के बाद गांधी ने अपना गुरु मान लिया गोखले को। और गोखले ने क्या बताया? जब गांधी ने गोखले से सुझाव मांगा तो गोखले ने कहा कि गांधी, ध्यान दीजिए, गोखले ने कहा कि गांधी, स्पेंड वन ईयर इन इंडिया विथ योर ईयर्स ओपन बट माउथ शट। गोखले ने गांधी से कहा स्पेंड वन ईयर इन इंडिया, भारत में एक साल अपना तुम खर्च करो, घूमो, यात्रा करो, विथ योर ईयर्स ओपन, कान को खुला रखकर, अपने कान को खुला रखते हुए घूमो, लेकिन बट शट योर माउथ, अपने जुबान को बंद रखो, बोलो नहीं केवल घूमो और सुनो। और गांधी ने एक साल यही किया याद कीजिए, यह घटना है 1915 का। दो साल के अंदर गांधी आ गए कहां पर? चंपारण। 1917 में आ गए कहां पर? चंपारण। मैंने बताया था चंपारण आ गए और यहां पर सबसे पहले यहां
तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, तिनकठिया बताएंगे नहीं, पहले हमने बताया है, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, पहला सत्याग्रह शुरू किया, और जिसमें गांधी को सफलता मिली। और इसके बाद इस सफलता को देखकर, इस सफलता को देखते हुए 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार को जीतने वाला संत, कवि, लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंतक ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को कहा, क्या कहा, कहा कि गांधी इज नॉट ए मैन। टैगोर ने कहा कि गांधी इज नॉट ए नेम ऑफ ए पर्सन बट ही सीम्स टू बी, बताते हैं, ही सीम्स टू बी ए ग्रेट सोल इन पिजेंट्स गार्ब, GARB गार्ब, जिसका अर्थ होता है महात्मा, महात्मा। ध्यान दो बच्चों, ये टैगोर ने कहा, इसका हिंदी बताता हूं, ध्यान सुनो। चंपारण में गांधी की सफलता को देखते हुए टैगोर ने कहा कि गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ही सीम्स टू बी, वह प्रतीत होता है क्या, ए ग्रेट सोल, एक महान आत्मा। कहां पर? पीजेंट्स, किसानों के, गर्व का मतलब होता है, गर्व का मतलब होता है आवरण, जो गर्व है इसका मतलब होता है भेषभूषा, गर्व का मतलब होता है भेषभूषा, कॉस्ट्यूम, वेरी गुड प्रियंका, गर्व, GARB, गर्व का मतलब होता है कॉस्ट्यूम, भेषभूषा। किसानों के भेषभूषा में एक महान आत्मा है, हिंदी में वो महात्मा है, वो महात्मा है। इसके बाद क्या होता है देखते रहो, इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों कि वहां से गांधी पहुंचते हैं अहमदाबाद में, और फिर पहुंचते हैं खेड़ा में, खेड़ा अहमदाबाद पहुंचते हैं 1918, यहां पहुंचते हैं। अहमदाबाद में समस्या क्या थी कि यहां पर मजदूर और मिल मालिक और मिलों के मालिक के बीच में विवाद चल रहा था। अहमदाबाद में जो मिल के मालिक थे और जो मजदूर थे, दोनों में संघर्ष चल रहा था। मजदूर कह रहे थे कि हमारा बोनस बढ़ाया जाए, इनका मांग था कि हमारा बोनस को बढ़ाया जाए, और जो मिल के मालिक थे उनका कहना था कि नहीं, क्योंकि जो प्लेग है, जो प्लेग रोग है, यह समाप्त हो चुका है, जब था
जब ये पैंडेमिक था, जब प्लेग नामक पैंडेमिक था, महामारी था, तो आपको हम बोनस दे रहे थे। जब ये पैंडेमिक समाप्त हो गया तो हम बोनस नहीं देंगे। मजदूरों ने कहा नहीं, आपको देना पड़ेगा। गांधी ने मजदूरों के पक्ष में हस्तक्षेप किया और फिर सत्याग्रह की धमकी दिया। अंत में गांधी के प्रस्ताव को मिल मालिकों ने मान लिया। ये गांधी का दूसरा जीत था, उनका सेकंड जो है सफलता थी। वहां से गए खेड़ा में, गुजरात में, सूरत में। यहां पर सूखा के कारण फसल जो है, सूखा के कारण फसल नष्ट हुए थे, फसलों का नुकसान हुआ था सूखा के कारण। जबकि सरकार कह रही थी कि नहीं, किसानों को रेवेन्यू देना हो। किसानों ने कहा कि साहब, जब फसल नष्ट हो गए हैं तो हम कहां से देंगे आपको? हम पहले खाने के लिए व्यवस्था करेंगे कि पहले रेवेन्यू देंगे? लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा। यहां पर देखोगे, मैंने बताया भी आपको कि सरदार पटेल गांधी के प्रयासों से खेड़ा में भी गांधी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसको सरकार ने मान लिया। सरकार ने कहा कि ठीक है, खेड़ा में जो किसान राजस्व देने में सक्षम है वो दे सकते हैं, और जो देने में सक्षम नहीं है उनको हम माफ करते हैं, वो मत दे, अगले साल देंगे। यानी लगातार तीन जीत हुआ। और पांच मिनट का समय लेना चाहता हूं। इस दौर में क्या हो रहा था बच्चों, ये तो कहानी का एक हिस्सा है, यह कहानी का एक हिस्सा है। कहानी का दूसरा हिस्सा क्या है कि जब गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, तो भारत में उनका स्वागत होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होता है, 1914 to 1918 इनका स्वागत होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था जब हिंदुस्तान में गांधी अपना कदम रखते हैं, और इस वॉर में इंग्लैंड जो है वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी। इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था, और इस संघर्ष में, इस लड़ाई में इंग्लैंड ने बिना भारत से पूछे हुए भारत को भी अपने पक्ष में जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में सम्मिलित कर दिया। हिंदुस्तान को भी अपने पक्ष में जर्मनी के खिलाफ सम्मिलित कर दिया। और क्या कहा? और कहा कि भाई, आप सभी से मेरा अपील है कि यदि आप लोग इस समय, इस विकट परिस्थिति में हमें सहायता देंगे तो आप लोगों को हम प्रॉमिस देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि जब वार समाप्त हो जाएगा तो आप सभी को हम, इंडिया को हम देंगे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हिंदी होता है आत्मनिर्णय करने का अधिकार, आत्मनिर्णय करने का अधिकार हम देंगे। यानी आप इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, यह अधिकार आपको हम दे देंगे, लेकिन पहले वॉर समाप्त हो जाए और आप हमें वॉर में सहायता करें।
जब हम हार जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। गांधी ने कहा कि भाई सरकार जब कही रही है कि हम भारत के लोगों को आप निर्णय करने का अधिकार देंगे तो हमें सरकार को सहायता करना चाहिए। और बच्चों गांधी जी हिंदुस्तान में घूम घूम करके यहां के बच्चों से कहते थे कि बच्चा तुम बताओ क्या तुम स्वतंत्र होना चाहते हो? तो हां बाबा मैं स्वतंत्र होना चाहता। तो ऐसा करो तुम सेना में भर्ती हो जाओ, ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ, क्योंकि यदि सरकार जीत जाएगी तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बच्चों ने भर्ती होना शुरू कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप दो बात, सरकार ने कहा कि गांधी तो हमारे लिए क्या बन गए, गांधी तो हमारे लिए एक सर्जेंट बन गए, सर्जेंट हमारे लिए एक सर्जेंट बन गए, इसका मतलब होता है भर्ती करने वाला अधिकारी। गांधी हमारे लिए भर्ती करने वाला सर्जेंट बन गए। भर्ती करने वाला सार्जेंट बन गए और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी को उपाधि दिया कैसर ए हिंद की उपाधि दिया, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया, इसका अर्थ होता है महान नेता, इसका अर्थ होता है महान नेता। यानी बच्चों संक्षेप में एक साल के अंदर, मेरा लास्ट पॉइंट है, एक साल के अंदर कल लिखवाएंगे, एक साल के अंदर गांधी किसानों के वेशभूषा में एक महान आत्मा बन गए हिंदुस्तान, और एक साल के अंदर गांधी ब्रिटिश सरकार के नजर में कैसर ए हिंद बन गए, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता। बच्चों यह ऐसा उपाधि थी जो 20 साल उदारवादियों के द्वारा सरकार के प्रति भक्ति करने के बावजूद भी किसी भी उदारवादी नेता को सरकार ने यह उपाधि नहीं दिया था, जो कि एक साल के अंदर गांधी को दे दिया। आप जानते हो बाद में कई ब्रिटिश लेखक सरकार का आलोचना करते हैं कि सरकार ने इस बुढ़े व्यक्ति का हिंदुस्तान में कद बढ़ा दिया, सरकार ने इसका कद बढ़ा दिया, नहीं तो इसका इतना बड़ा कद नहीं था। कौन कहता है? ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखते हैं। और आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ बच्चों, इस पूरे कहानी को हम कल आपको लिखवाएंगे। समझना भी जरूरी था क्योंकि दोनों अलग अलग क्रिया होती है, लिखना एक अलग क्रिया है, समझना एक अलग क्रिया है, और दोनों क्रिया संयुक्त होगा तब जाकर सफलता प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों क्लास को यहीं पर हम पूर्ण विराम देते हैं। अब कल हम लोग मिलेंगे ताजा होकर के और काफी अपने आप को अंदर से एनर्जी भर करके। ओके, एंजॉय मकर संक्रांति टुडे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।